बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप यू गाइस आर हैविंग एन अमेजिंग डे। इसमें समय लेके आए आज हम बात करेंगे दोस्तों कि वो कौन से ऐसी तीन वजूहात हैं जो किसी भी कारोबार को कामयाब नहीं होने देती। जी, आज हम उन वजूहात पे बात करेंगे जो इंतहाई अहमियत के आमिल हैं, जो किसी भी कारोबार के फेलियर में एक नुमाया रोल अदा करते हैं। लेकिन अगर आपने उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच सकें। जी तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि वो कौन सी अहम तरीन तीन वजूहात हैं जिनकी वजह से कोई भी बिज़नेस कामयाब नहीं होता और वो फेल हो जाता है। नंबर वन पे है प्लानिंग। जी, अगर आप कोई भी बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, अगर आपने उसकी सही प्लानिंग नहीं की हुई, तो ऑफकोर्स आप वो काम नहीं कर सकते या वो काम कामयाब नहीं हो सकते। कोशिश करें कि कोई भी, जब भी आप काम शुरू करें, पहले अच्छी तरह उसकी प्लानिंग कर लें, अच्छी तरह उसके जो जितने भी स्टेप्स हैं आप उनको राइट डाउन करें, उनको प्रॉपरली स्टडी करें, ताकि आपको आपके काम की पूरी जो एक विजन है आपको क्लियर हो कि आप क्या करने जा रहे हैं। ऐसा करने से जब आप अपने प्लान पे फोकस करेंगे कि आपने जो करना है वो आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपने सारे स्टेप्स डिफाइन किए हुए हैं, आपने अच्छी प्लानिंग की हुई है, तो डेफिनेटली फॉर श्योर के आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप इन स्टेप्स को या प्लानिंग को फॉलो नहीं करेंगे, या आपकी कोई प्लानिंग नहीं है किसी काम में, कोई कारोबार आप कर रहे हैं आपकी उसमें कोई प्लानिंग नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से कि सक्सेस चांसेस आर वेरी लो। दोस्तों, नंबर टू पे है नॉलेज। नॉलेज से मुराद यह है कि जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास इनफ नॉलेज है, आपके पास उस काम के बारे में इनफ, एक आपने स्टडी किया हुआ है, या आप जो करने जा रहे हैं आया वो आप कर सकेंगे, आया ये आपके लिए फिजिबल है, आया आप इतने कैपेबल हैं, आया आपके पास इतना इनफ नॉलेज है कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर आप मेंटली तौर पे क्लियर हैं कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास इनफ नॉलेज और उस कोई भी काम जो आप करने जा रहे हैं उसके बारे में अगर आपके पास इनफ एजुकेशन है, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हैं, तो फॉर श्योर के आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे, आप कभी फेल नहीं होंगे। जी तो दोस्तों, नंबर थ्री पे है एक्सपीरियंस। कि जो काम आप करने जा रहे हैं आया उसके बारे में आपको कुछ पता भी है या नहीं है। ठीक है, पता होने के साथ साथ आपका उस फील्ड के बारे में या उस काम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है या नहीं है, कुछ तजर्बा भी है या नहीं है। अगर आपके पास जो आप काम करने जा रहे हैं, अगर आप भले ही क्यों ना आपकी अच्छी प्लानिंग हो, भले ही क्यों ना आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपका उस फील्ड या उस काम के बारे में कुछ तजर्बा नहीं है, अगर आपने कहीं से कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं किया, तो फॉर श्योर के आपके लिए वो काम करना इंतहाई मुश्किल होगा। तो कोशिश करें कि सबसे पहले अच्छी प्लानिंग करें, उसके बाद उस जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ी बहुत बेसिक एजुकेशन लें, कहीं से भी या कोई भी, अगर आपके पास कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप अवेल करें, आप पहले उसको प्रॉपरली स्टडी करें, उसके बाद जब आप स्टडी कर चुकेंगे, आपके पास इनफ नॉलेज होगा, उसके बाद आप आखिरी इसका स्टेज है कि आपके पास इतना इनफ एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं वो आप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। जी तो अगर आपके पास ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप एक इंतहाई सक्सेसफुल बिजनेसमैन साबित हो सकते हैं। नंबर वन पे प्लानिंग, नंबर टू पे आपकी एजुकेशन, नंबर थ्री पे आपका एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो मैं फॉर श्योर ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। बस आप अपनी मेहनत जारी रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, अपनी सलाहियतों पे, अपनी जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं 100% एक भरोसा होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे और आप एक इंतहाई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।